ये क्या चीज़ है? टायर डिफेक्टिव। टायर डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्ट गैस बोलते हैं। ठीक है जी। देखो इसमें दो चीज़ है इम्पोर्टेंट। इसको हम टायर डिफेक्ट गैस क्यों बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं व्हील डिफेक्ट गेज? व्हील डिफेक्ट गेज नहीं है, व्हील मतलब पूरा आपका पोर्शन आ जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर कवर करो। एक एक समय में क्या था ना कि ये जो व्हील था ना दो पार्टों का बना था, ये रिम और टायर। इसके ऊपर टायर था और इसके बाकी से एक रिम था। तो टायर को ही चेक करते हैं इसे, टायर के में कितना कितना डिफेक्ट आ गया यही चेक किया जाता है। आजकल सोलिड व्हील आ रहा है, जितना जो जितने व्हील है ना वो सारे सोलिड व्हील हैं। सोलिड व्हील के अपने फायदे हैं, इजीली मैन्युफैक्चर हो जाता है, निकल के भागेगा नहीं, आसानी से इसको असेंबल किया जा सकता है ना, और बहुत सारे फायदे हैं इसके। इसलिए फाइनली यही डिसाइड किया कि भाई सोलिड व्हील चलेंगे। लेकिन सोलिड व्हील के ऊपर भी जितने नकाशी किए गए इसमें वो भी पुराने, जो आपको टायर डिफेक्ट टायर वाली जो गाड़ियाँ चलती थी जितने ऊपर नकाशी थी सेम उसके यही है उसके ऊपर भी। जैसे आप थोड़ा इधर देखो, अब देखो इसको बोलते हैं फ्लेंज, इसको बोलते हैं फ्लेंज। ये जो हिस्सा है ये फ्लेंज बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड ये व्हील का ट्रेड है और व्हील का ये फ्लेंज है, ठीक है। व्हील की ये आपके ये ट्रेड की मोटाई है, ट्रेड की मतलब जो टायर बोलो ना, टायर की मोटाई ये है, ठीक है। ये टायर की मोटाई जब बनती है ना तो कितनी कितना इसका होता है, तुम इसके लाए होगा? हाँ वो वहाँ पे रखा है। स्टॉप मत करना, चलते रहना, चले जाओ। ये 63.5 mm होता है, ठीक है। याद रखो 63.5 mm के आसपास आएगा, ठीक है ना। नया नया जब नया निकलेगा, नया जब नया निकलेगा तो 63.5 mm का होगा, है ना। और इसकी जो व्हील की जो थिकनेस है मतलब मोटाई जो है वो होगी 127 mm। देखो 127 मोटा मोटा देख लो, है ना, 127 देखो ध्यान से, ये 12 गया ना, और 12 तेरे के बीच में ना, ध्यान देखो 127 मतलब 130 के करीब है ना, 130 करीब आ रहा है ना। तो ये मोटाई है, ये थिकनेस है, ये आपका ट्रेड है, ये है फ्लेंज। अब बात ये आ रहा है कि जब आपकी गाड़ी चलती है ट्रैक पर तो ये दो दो लोहे के बीच का एक रोटेशन है, ये आपका ट्रैक है, ये व्हील है। जब एक दूसरे पर चलेगा तब ना गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो जब चलेगी तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ किसी न किसी में घिसाव होगा। तो इसको हल्का बनाना चाहिए मटेरियल, इसको सॉफ्ट बनाना चाहिए या इसको सॉफ्ट बनाना चाहिए? दोनों तो घिसेगा ही, किसको सॉफ्ट बनाया जाता है? ट्रैक को हार्ड बनाया जाता है, इसको सॉफ्ट बनाया जाता है। कि ट्रैक को बदलना बड़ा मुश्किल है, ट्रैक बदलने का मतलब पूरा ब्लॉक हो जाएगा सेक्शन। ये तो आराम से चल के जाके वर्कशॉप में चली जाएगी और वहाँ पे इसका अपना जो भी इसका मरम्मत करना होगा, रिपेयर करना होगा, हो जाएगा। तो अब हम आज बात करेंगे आपसे कि एक हमारे पास एक गेज है, ये गेज मतलब होता है, इस पर मेजरमेंट नहीं होता, गेज और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अंतर होता है, इसको गेज बोला जाता है। जैसे आपका ये स्केल है वो गेज नहीं है, ये गेज नहीं है, इसलिए गेज नहीं है कि इस पर मार्किंग है, नंबर्स हैं इस पर, क्या है कुछ नंबर है नहीं है, तो ये गेज है। इससे सिर्फ आप बता सकते हो कि भाई ये चीज़ सही है या ख़राब है, ऐसे नाप सकते हैं। तो दोनों में अंतर होता है, ये गेज है, इसका नाम है टायर डिफेक्ट गेज, टायर वाली चीज़ें नापेगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ मेजर कर सकता है, ठीक है। इसमें देखिए आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्लेंज और ट्रेड, यही नापना है, इसे दो चीज़ नापना है, ये तो कन्फर्म है ना। इसे क्या चीज़ नापेंगे? दो चीज़ों का डिफेक्ट नापेंगे, एक फ्लेंज का एक ट्रेड का। अब बात आती है फ्लेंज के कितने डिफेक्ट नाप सकते हैं और टायर के ये ट्रेड के कितने डिफेक्ट नाप सकते हैं। तो याद कर लो अंगुली पर, फ्लेंज के 4 डिफेक्ट नापेंगे। ये छोटा सा चीज़ है ना, इसमें 4 तरह कमी आती है, और इतना बड़ा जो चौड़ा है इसमें 3 तरह कमी आ जाएगी, ठीक है। अब फ्लेंज की बात करें तो देखिए, एक होता है आपका थिन फ्लेंज, तो ये फ्लेंज जो है थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा बता देते हैं, जब नया आता है ना तो 28.5 mm का आता है नया, घिसते 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 अगर 16 mm तक हो जाएगा तो 16 तक 28 से 16 चलेगा, और 16 के नीचे जाएगा तो खराब हो जाएगा। अब इसकी जो क्या है, ये थिन फ्लेंज से नापते हैं, थिन इसे क्या नापते हैं याद करो, थिन फ्लेंज। इसका जो अब किस इसकी जो गैप है ना वो 16 mm है। इधर आओ आप नापते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये नहीं जा रहा है ना, नहीं जाएगा ना, इसका मतलब सही है, ये आपका ये फ्लेंज सही है। अगर ये चला जाता ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इसमें चपक जाता पूरा, इसमें ऐसे खूब नहीं चपक जाता, गैप रहता थोड़ा सा, ठीक है, ये चला जाता, ठीक है। ये आपने नाप लिया थिन फ्लेंज। अब होता है डीप फ्लेंज, अगर ये सही है और ये घिसता जाए ये बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा जी जी। तो जब नया होता है ये तो 28.5 mm होता है, ये जब घिसेगा तो अंदर होगा, ये बढ़ता जाएगा तो 35 mm तक अलाउ है, ठीक है।
अब नापते कैसे हैं इसको, देखिए ये है, ये पूरा पार्लर रहेगा, ये देखिए इधर आइए इधर और गौर करो, इसमें गैप है ना, यानी डीप नहीं है, और डीप होता इसे टच कर जाता जी, क्या कर जाता, टच कर जाता ना जी, तो ये सही है, मतलब डीप नहीं हुआ है जी। तो फ्लेंज हमने कितना आप लिया, थिन फ्लेंज और डीप फ्लेंज, और ये शार्प फ्लेंज आपते हैं ठीक है, इधर इधर शार्प हो जाता है, इधर चलते चलते इधर नहीं होगा क्योंकि टच में, ये टच में है, ये टच में है, इधर हो जाएगा शार्प, तो देखिए यहाँ पर करेंगे ना तो शार्प हो जाएगा, तो ये पूरा बैठ जाएगा, अभी करेंगे तो बैठ नहीं रहा है ठीक है, है ना, ये पार्लर होना चाहिए इसके, ये ना इसके पार्लर होना चाहिए, तो गैप मिलेगा आपको, गौर करेंगे तो गैप मिलेगा, तो शार्प फ्लेंज हो गया, थिन फ्लेंज और डीप फ्लेंज, और क्या बच रहा है, रूट ऑफ रेडियस, रूट ऑफ रेडियस, यहाँ पर जो रेडियस है ना, रूट ऑफ रेडियस, इसी का रूट ऑफ रेडियस नापते हैं, इसको नापने के लिए ये वाला चीज यूज किया जाता है ठीक है। देखो अगर अगर ना ये जगह जगह जी गैपिंग हो जाए तो बढ़ जाएगा, ये गैपिंग अगर ये बढ़ जा रहा है ना तो सही है जी सर, ये अच्छे से बैठ जा रहा है इसमें तो सही है ठीक है, अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बैठ रहा है, ये इसके में गैप आ जा रहा है तो रूट ऑफ रेडियस कम हो गया है, ये 16 का रेडियस होता है 16 का, अब यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा खुण कर्व सा है ना, ऐसा कर्व सा है, अब कर्व कम होगा तो रेडियस कम हो जाएगा, ये 13 का हो जाएगा, 16 से 13 अलाउ है, तो अरे ये 16 से 13 हो गया ना, तो इसमें गैप आना शुरू हो जाएगा, ये करेंगे तो बैठेगा नहीं बढ़िया से, रोशनी हाँ रोशनी उधर से पास हो जाएगी, ये रूट ऑफ रेडियस अब 4 हो गया आपका फ्लेंज का, जल्दी बताओ आप लोग जल्दी फटाफट, थिन फ्लेंज, डीप फ्लेंज, शार्प फ्लेंज और रूट रेडियस ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं तीन, इधर तीन होंगे ठीक है, तो इधर तो सबसे जो फेमस है वो फ्लैट टायर ठीक है, अब देखिए कोचिंग के लिए आज जो आईसीएफ जो ट्रॉली है उसमें जो चक्के लगते हैं उसके लिए 50 mm है, गुड्स के लिए है आपका 60 mm, और जो LHB कोच है उसके लिए 45 mm है ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास एक है तो आप नाप लो, मार्क कर लो भाई 50 जहाँ पे है, तो इसको देखो ये इधर बैठ नहीं रहा पूरा ना, प्रॉपर बैठ नहीं रहा, इधर भी उठा हुआ है, इधर उठा हुआ है, तो ये फ्लैट नहीं है, जहाँ फ्लैट होता है वहाँ बैठ जाता है ठीक है। यहाँ पर 3 mm का ग्रुप भी बनाया गया है, ये 3 mm है पूरा, अगर ये भी बैठ जाता तो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया, पूरा चपक के बैठ गया, तो ऐसे आजकल सेफ्टी के माध्यम से ये सिर्फ इतना बैठ गया 60 से ऊपर हो जाता है गाड़ी कटवा जाते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन आजकल ज़्यादा है ठीक है, पहले स्पीड कम थी, गाड़ियाँ कम थी, तो इतना तक इंतजार करते कि 3 mm का ग्रुप बन जाए, लेकिन वो चीज़ अब है नहीं, अब पूरा फ्लैट हो गया सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई साहब देखो फ्लैट हो जाएगा ना, इस पर बहुत तेज़ आवाज़ मारता है, ट्रैक मारता ट्रैक पर बहुत आवाज़ करता है, उसको PWI वाले जो होते हैं वो विभाग बोलता है हैमरिंग इफेक्ट, हैमर मतलब हथौड़ी बार मारता है, तो जब बार बार किसी चीज़ मारोगे तो टूट जाएगा ना, ठंडी के मौसम बहुत ज़्यादा डर रहता है ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्ट कंडीशन होता है, जब सुखड़ा होता है ब्रिटल हो जाता है तो टूट जा टूट सकता है, तो हमने एक टायर पर कितना नाम मेजर किया, अभी एक किया है ना फ्लैट टायर ठीक है, अब एक होता है होलो टायर ठीक है। देखिए मान लीजिए चलते चलते यही पूरा धस गया हो, दूसरा फ्लेंज तैयार हो, हाँ 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 दूसरा यहाँ पे मतलब धस जाए, मान ली यहाँ पे धसने लगे जी, इधर भी ना कुछ हो, क्योंकि देखो यही हो रहा है ना, देखो घिसाव इधर हो रहा है, देखो ये किसी कारण से इधर भी कहीं ऐसे ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया हाँ, तो इसलिए बना गया, इसको आप ऐसे नापो ठीक है, ये चीज बैठ जाएगा, ये उठा हुआ है ना, देखो यहाँ से देखो यहाँ पे देखो ये उठा हुआ है ना, ये चीज यहाँ बैठ जाएगी और ये इसमें सड़ जाएगा, ये सड़ जाएगा मतलब ये हॉलो टायर ठीक है। अब हमने कर लिया हॉलो टायर, अब हमने कर लिया फ्लैट टायर, अब बता आपका थीन टायर, थीन टायर टायर आपका छोटा हो गया ठीक है, टायर की मोटाई हाँ, तो जो नया वाला, तो नया वाला फ्लैट कहा गया टायर डिफेक्ट, देखिए इस पे दिया हुआ है, जब आपका टायर जो है ना इसकी मोटाई कम होती जाती है 63.5 से लेकर 25 तक अलाउ है, अब 25 से कम होगा तो भाई अलाउ नहीं, तो ऐसे भी आप नाप सकते हो ठीक है, लेकिन फिर भी एक गेज बनाया गया आपके लिए है ना, ये हो गया ऐसे नापते ठीक है, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं नापते, नहीं ऐसे नापते हैं आप, उसी तरफ नापते हैं सर, उसी तरफ पीछे, हाँ पीछे से पीछे नापते हैं जी, इधर आओ इधर आ जाओ, इसे नापते हैं ठीक है, ये पूरा इसे सटा लेते हैं ठीक है, ये पूरा सटा लेते हैं, और इसमें मार्किंग होती थी ठीक है, सोली ड्यूल के लिए देखो ये चीज़ है, घिस के अगर ये घिस के यहाँ जाती ना हाँ तो ये खराब हो जाता, क्योंकि ये तो पूरा एरिया फिक्स है, इधर से नहीं नापते हैं, इधर से नापते हैं, इसलिए कि देखो ये तो घिसा जाएगा जी सर, ये फिक्स है पूरा ठीक है, ये खींच फिक्स है, तो जैसे घिसेगा ये चीज़ अंदर चली जाएगी ठीक है,
एक घिसे का अंदर चली जाएगी जी। और यहाँ एक मार्किंग है सॉलिड वाली, ये जो ये लिखा हुआ ना देखो यहाँ से, ये सॉलिड व्हील के लिए ये है ना मार्किंग किया है, जो ICF के लिए ये मार्किंग किया गया है देख रहे हो ध्यान से। और आपका टायर व्हील ऑफ द IRS ICF, ये टायर व्हील जो टायर व्हील थे ना जो नहीं अभी चर्चा किया था हमने, व्हील दो तरह के होते हैं, एक सॉलिड व्हील एक टायर व्हील। तो सॉलिड वाले केस में ये दो मार्किंग कर दिया IRS के लिए और MLC के लिए, छोटा वाला है इसके जस्ट नीचे आपका ICF आ जाएगा। और आपका टायर व्हील है थोड़ा उसको ज़्यादा दिया है मार्जिन, ठीक है इसको थोड़ा ज़्यादा दिया है ठीक है। और ACDC EMU और जो EMU गाड़ी चलती है ना उसके लिए दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप इधर से ना अपना ध्यान रखना, इस चीज़ को हमेशा रखना, इधर फ्लेंज की तरफ अपना है ठीक है ना। जैसे जैसे होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, जहाँ मार्किंग हो जाएगी कम हो जाएगा ठीक है। अगर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे 25 में नाप सकते हो, 25 से इसे तो डायरेक्ट कम होता जाता है ना ठीक है। तो आज हम लोग ने पूरा देख लिया ना टायर डिफेक्ट गेज ठीक है, और इसको डिस्कस करो पूरा आप लोग ठीक है। ठीक है सर, ठीक है।